मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिक्षक दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के आरडी तिवारी स्कूल में आयोजित शिक्षा मड़ई में पहुंचे, जहां शिक्षा मड़ई प्रदर्शनी में नवाचारी शिक्षकों के कामों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर नए स्वरूप में आरडी तिवारी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किया। बघेल ने वहां बच्चों से चर्चा कर उनकी पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली, साथ ही बच्चों द्वारा खेले जा रहे विभिन्न स्थानीय खेलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला भी उपस्थित रहे। देखिए, हमने पहले कहा कि कोई भी सरकार की स्टेब्लिश सरकार की विकासशीलता दिखाती है शिक्षा और स्वास्थ्य को। लगातार चाहे राज्य सरकार हो चाहे रायपुर नगर निगम हो, हम शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में काम कर रहे हैं। स्कूल आप देख लीजिए, आज पैर रखने की जगह नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री स्लम योजना, मुख्यमंत्री सस्ती दवाई योजना, मुख्यमंत्री डायग्नोस्टिक सेंटर राधा भाई, तो ऐसे कई सारे हम स्वास्थ्य के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो ये बोलना चाहेंगे, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर जहां पूरा राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है और शिक्षक दिवस के रूप में अनेक जगहों में पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज राजभवन में भी उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया गया और हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा अगले वर्ष जो सम्मानित होने वाले शिक्षक हैं उसकी सूची भी जारी की गई। आज आरडी तिवारी स्कूल में यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की गई, शुरुआत भी किए और शिक्षा मड़ई जो पूरे प्रदेश भर में जो शिक्षकों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो नवाचार किए थे उन सब का भी प्रदर्शन यहाँ किया गया।